ओए फूफू कर रहा है, स्टाइल है ना यार। इससे क्या है ना कि आवाज डीप हो जाती है, मतलब बेस आता, बेस टेक्सचर आता, टेक्सचर। और पता है इससे क्या होता है? लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर। स्मोकिंग करने से जो मेजर रिस्क होते हैं वो लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर तो होते ही हैं। उसके साथ स्मोकिंग से जो हीट आपके गले में जाती है ना, उससे आपके वोकल फोल्ड का आउटर लेयर जल जाता है। स्मोकिंग से ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस से फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से स्वेलिंग होती है वोकल कॉर्ड्स। आप बोलोगे तू क्यों ज्ञान दे रहा भाई, इतने बड़े बड़े सिंगर्स ने सिगरेट पिए अपने पूरे लाइफ टाइम, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तू क्यों आधी रोटी पे दाल ले रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट उनके गले को कोई हार्म नहीं कर रही। और जो आप सोचते हो कि आवाज डीप हो जाएगी, टेक्सचर आ जाएगा, वो इंस्टेंटली नहीं आता। इंस्टेंटली आपकी आवाज में बस ड्राइनेस आती है। जो डीपनेस और जो टेक्सचर की बात हो रही है वो ओवर द टाइम आती है। बट थिंक अबाउट इट, डू यू रियली वॉन्ट इट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ? देखो दूध का दूल्हा मैं भी नहीं हूँ, पर मैं एक आम लड़का हूँ जिसने कैसे कैसे करके म्यूजिक सीखा है, गाना सीखा है। तो आप सोचो क्या मेरे जैसे, आप जैसे लोग चांस ले सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपनी सिंगिंग के साथ, इतना सा भी? क्योंकि सिंगर स्मोक करते हैं ना तो आवाज में फटीग जल्दी आ जाता है, थक जाती है आवाज बहुत जल्दी, लंग फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। गाने में सबसे ज्यादा किसका काम है? स्मोकिंग छोड़ने के बाद एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं आपकी वॉइस को कम्प्लीटली रिकवर होने में, क्योंकि बहुत फेमस सिंगर्स भी कर रहे हैं तो आपको देख के लगता होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी सेम टेक्सचर चाहिए। बट डू यू रियली वॉन्ट टू टेक दैट चांस?